डायरेक्ट जैसा फेंका था। दोस्तों ये है महिंद्रा की मैक्सिमो गाड़ी, इसका इंजन उतारना है। तो उससे पहले हमें सबसे पहले अगर कोई मैकेनिकल पार्ट छूते हैं तो सबसे पहले इसकी बैटरी निकालते हैं। क्या है, कहाँ है? तो इसका बैटरी निकाल दिया गया फिलहाल अभी। हाँ बड़ी झमेला यार। सो ये है गियर बॉक्स का, मैक्सिमो का। और पहले हम इसका शाफ्ट खोलेंगे। ये इसका शाफ्ट है, यहाँ से लेकर पूरा ये इसके क्राउन से जुड़ा हुआ है पहिए से। तो पहले इसका हम शाफ्ट निकालते हैं। शाफ्ट निकालने के ठीक बाद हम इसका जो गियर बक्सा है वो खोलेंगे। तो गियर बक्सा खोलने में बहुत सारा चीज़ है। गियर बक्सा में से पहले मान लीजिए क्लच वायर हो गया, ये गियर का ब्रैकेट्स हो गया, ये गियर वायर हो गया, ये सब निकालना होगा। पहले हम इतना खोलते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं आगे। देख रहे हैं सारा बोल्ट का जो गियर बक्सा का हाउसिंग जितना बोल्ट है सारा मैंने खोल दिया है। केवल इन दोनों बोल्ट्स को छोड़ के, ये दोनों मेन बोल्ट्स हैं, इनको खोलने के बाद गियर बक्सा जो है नीचे की तरफ आ जाएगा। लेकिन उससे पहले मुझे ये सापट खोल के निकालना होगा, उसके बाद ही मैं ये सापट को, इस शाफ्ट को निकालने के बाद ही मैं गियर बक्सा का बोल्ट खोलूँगा, जिसकी वजह से गियर बक्सा बाहर आएगा। उतर गया है यहाँ पे, शाफ्ट ने निकाल दिया है, गियर बक्सा उतार दिया है। अब ये क्लच प्लेट इस गाड़ी का, हालांकि बहुत गर्म है, इसको मैं छू नहीं सकता, इतना गर्म है ये। और इसका फ्लाईव्हील है, बाकी इसका इंजन है। तो इसका इंजन भी उतारना है मुझे, तो फिलहाल अभी बहुत गर्म है। तो इसका पहले जो वायरिंग वगैरह है वो निकालते हैं धीरे धीरे, फिर जो पाइपलाइन से पहले वो निकालते हैं, उसके बाद थोड़ा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद फिर जो है गियर बक्सा जो इंजन है मतलब वो उतारने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो फिलहाल जो उसका वायरिंग है आपको दिखा देना चाहिए, मान लीजिए पाइप हो गया, मोबिल का पाइप हो गया, ये सब निकालना होगा। और जो वायरिंग वगैरह देख रहे हैं आपका, बहुत ढेर सारे वायरिंग यहाँ पर हैं, कॉमन रेल का है, इंजेक्टर का है, वगैरह बहुत सारे वायरिंग हैं। सारे वायरिंग पहले निकाल देते हैं, और यहाँ ये जो जितने पाइप्स वगैरह गए हैं इधर सब निकालना होगा, उसके बाद ताकि तब फिर इंजन उतारा जाएगा। उसके पहले साइलेंसर भी है, कि साइलेंसर पर जंग लगा हुआ है, ये भी खोल के निकालना होगा पहले। Thank you.